प्रस्तुत है निगम चुनाव 2012 पर डीआईडी टीवी की खास पेशकश। राजनीति के पुराने खिलाड़ी भाजपा की वर्तमान निगम पार्षद एवं पुनः पार्टी द्वारा बनाई गई प्रत्याशी उषा गुप्ता को पटकनी देने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति अग्रवाल सरस्वती विहार वार्ड नंबर 60 पर कांग्रेस का परचम लहरा जनता की पहली पसंद बन गई है। आइए रूबरू होते हैं निगम पार्षद ज्योति अग्रवाल से। आपका नाम क्या है? ज्योति अग्रवाल। ज्योति अग्रवाल, आपका वार्ड नंबर कितना? ज्योति अग्रवाल, वार्ड नंबर 60, सरस्वती विहार। अच्छा, तो आप अभी विजयी हुए हैं निगम पार्षद में, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि मैं देश के लिए बहुत कुछ करूँगी। अच्छा, और आपको राजनीति में आए कितना समय हो गया था? मैं राजनीति में, मैंने राजनीति शास्त्र पढ़ा है और मैं कॉलेज टाइम में मेरा इंटरेस्ट था। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से ही राजनीति में हूँ। अच्छा। लेकिन मेरा बैकग्राउंड है, कांग्रेस से मैं हूँ। अभी आप निगम पार्षद अभी भी बने हैं। हाँ जी। तो आपके अपने क्षेत्र में ऐसा प्रथम कार्य क्या होगा जो आप करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं करना चाहूँगी सफाई, जो लोगों की सबसे बड़ी एक समस्या है। उसके बाद लोगों को प्रॉब्लम है, डॉग्स बाइट, बच्चों को बहुत करते हैं डॉग्स बाइट। फिर उसके बाद जैसे नालों की सफाइयां नहीं होती हैं समय समय पर, तो वो 17 वर्षों से हिंदी की सेवा करता समाचार पत्र इंडिया दर्पण, विगत 5 वर्षों से प्रतिदिन निर्भीक निष्पक्ष समाचारों का माध्यम दैनिक इंडिया दर्पण। नालों की सफाइयां नहीं होती हैं समय समय पर, तो वो एक ड्रेन सिस्टम बन करवाऊंगी एक। और अभी तो फिलहाल मैंने यही 3-4 चीज़ें हैं जो मैं सोच रही हूँ। आपका ये राजनीति में प्रेरणा स्रोत कौन है आपका? डॉक्टर SC बस एंड सोनिया गांधी। सोनिया गांधी, अच्छा। तो अब आप अपने क्षेत्र में और क्या क्या समस्याएं दूर करना चाहेंगे उसके अलावा? अपने क्षेत्र में मैं बहुत कुछ सोचा हुआ है, जब मैं करूँगी तब मैं आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। अभी ये जो निगम के अभी 3 पार्ट कर दिए, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, फिलहाल अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने इसमें कितने वोटों से जीते हैं? 203 वोट से जीते हैं। अच्छा, तो अब आप अपने क्षेत्र में ऐसा कार्य करेंगे कि इससे ज़्यादा वोटर जीतेंगे आप अगली बार? हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा कार्य करेंगे हम जिससे लोग हमें पसंद करेंगे और वो हमें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे। अच्छा, अभी जो ये 22 तारीख के बाद जो महापौर के लिए भर रहे हैं अपना जो लगे हुए हैं, उसके लिए भी आपने कुछ करा है? फिलहाल तो नहीं। उसकी भागदौड़ में आप लगे हैं या मतलब अभी आपने सोचा ही नहीं? नहीं, अभी हमने कुछ नहीं सोचा है। अभी तो मैं जस्ट अपना ही ये इलेक्शन चुनाव लड़ा है अभी। अच्छा, अभी इसके लिए और आगे सोचना है, सोच। अच्छा, तो और जी अभी आपके यहाँ पे क्षेत्र में कपिल सिब्बल है। हाँ जी। तो जब अभी आप निगम पार्षद नहीं थे पहले, हाँ। उससे पहले जैसे आप उनके पास कार्य के लिए जाते थे, क्या आपको कार्य में सहयोग देते थे आपको? बिल्कुल देते थे, वो मतलब हर चीज़ के लिए सहयोग देते थे हमें कि भाई आप आइए हमारे पास, हम आपको हेल्प करेंगे, जो भी हम चाहते हैं उनसे वो हमें हेल्प करते हैं। अच्छा, मतलब कि और अब आपको जैसे आप विजयी हो गए हैं, तो उसके बाद भी आपको वो है कि आपको ये आपके जो पहले निगम पार्षद थे मैडम जो थी, हाँ। उनके कार्य से खुश थे आप क्या? हाँ बिल्कुल खुश थे। उनके कार्य से खुश थे आप? हाँ। अच्छा अच्छा और अब आप अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जो आपके कार्यकर्ता ने आपकी हेल्प करी है इस टाइम, हाँ जी, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो मुझे अपना सहयोग देते रहें और मैं हमेशा उनका सम्मान करती रहूँगी। अच्छा, और जनता को भी कुछ कहना चाहेंगे आप? विजयी हुए हैं, अपने यहाँ क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? जनता को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपना आशीर्वाद दिया। आगे मैं उनको सपोर्ट करती रहूँगी, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही मैं उनके लिए कार्य करूँगी। अच्छा ठीक है। हाँ जी मैडम, आप खुद एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? महिलाओं के लिए सबसे पहले तो मैं सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी, जो एक बहुत ज़रूरी काम है। दूसरा, ओल्ड एज होम, ओल्ड लेडीज़ के लिए जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए मैं ओल्ड एज होम बनवाऊंगी, जो मैं दिल्ली सरकार से जिसके लिए मैं परमिशन लूंगी। फिर है पेंशन,
जो विधवा महिलाएं हैं, जो पेंशन जिनको सही समय पर नहीं मिलती है, मैं उसके लिए भी कुछ करूंगी और उनको समय पर पेंशन बनवाना और उनको देना, यही मेरा एक सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए मैं बहुत अग्रसर होने वाली हूँ इस चीज़ के लिए। हाँ, तो ये गरीब बच्चों के लिए बताओगे कि शिक्षा के लिए क्या होता है? गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए पहले से जो व्यवस्था की गई है कॉपी पेंसिल रबर्स वगैरह की, उनमें और अधिक सुधार लाया जाएगा। उनके लिए अलग और भी अच्छी किट्स बनाई जाएंगी जो कि मैं उपलब्ध करवाऊंगी उनके लिए दिल्ली नगर निगम से, और जो भी हम फैसिलिटीज़ उनको दे पाएंगे, जैसे स्कूलों में है कंप्यूटर्स वगैरह हैं, जो भी नई तकनीकी शिक्षा व्यवस्था होगी उनका भी उन्हें उपयोग करने के लिए दिया जाएगा। जहाँ तक मैं कर पाऊँगी मैं उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगी। चलो, जनता को कुछ कहना चाहेंगे आप? जनता को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि वो मुझे अपना सहयोग दें और मैं उन्हें अपना पूर्ण सहयोग दूंगी। धन्यवाद।